हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम है हर एक को आशीष की घोषणा करता हूँ। प्रिस्टू जीजस हालेलुया। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस भोर की प्रार्थना की सभा में। और मेरे पियो विश्वास करें आज के दिन आपके लिए आशीष के रास्ते को खोलने जा रहा है, आपके बंधन को तोड़ने जा रहा है, और जो भी आपकी रुकावटें बधाएं हैं उन बधाओं को परमेश्वर आपके जीवन से तोड़ने जा रहा है। जब हम विश्वास करेंगे प्रभु की आरिश्चय क्रम को देखेंगे, भजन संहिता 16 के उसके 11 वचन को जब देखेंगे मेरे पियो, तो परमेश्वर का वचन कहता है तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सदा बना रहता है। क्या कहता है वचन? तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे हाथ दाहिने हाथ में सुख सदा बना रहता है। परमेश्वर आपको मेरे पियो आशीष देने के लिए तैयार है। जब हम उन आशीषों को लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, प्रभु हमारे लिए वो आशीष के दरवाजे खोल देगा। हालेलुया। हम अपने आप को तैयार करें उन आशीष को प्राप्त करने के लिए जो हमारे लिए आशीष रखा है। मेरे पियो निराशा में पड़े हैं, प्रभु से प्रार्थना करें, वो आपके दुख तकलीफ को आनंद में बदलेगा। दुख तकलीफ आपके जीवन से बाहर निकलेगी और सुख शांति आपके घरों में, आपके जीवन में, आपके लाइफ में आएगी। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। अपने हाथों को उठाइए। ओ ममरा सखा रबा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस यस, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता, सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए पिता, आपने एक सुनहरा अवसर प्रदान किया कि हम तेरी उपस्थिति में बैठ कर आराधना कर सके। खुदा हम धन्यवाद करते हैं पिता। आबा राबा सखा राबा हुलाबा रिखराबा रेक्तम जयम रेक्तम जयम। यस मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा आपके जीवन में उतर रहा है, आपके बंधन से आजादी मिल रही है, बंधन टूट रहे हैं, रास्ते खुल रहे हैं। यस आशीषें आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए परमेश्वर भेज रहा है। विश्वास कीजिए आपकी आशीष आ रही है, आपकी आशीष आ रही है। बोलिए मेरा आशीष आ रहा है, मेरा आशीष आ रहा है। यस आपकी आशीष आपके पास आ रही है, आ रही है। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। ओ रीमा सिखरबा ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। महिमा 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 महिमा। अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथों को उठाइए। आज आप अपने जीवन में चमत्कार हो तो देखेंगे, आज आप हीलिंग को रिसीव करेंगे। विश्वास करने वाले लोग के जीवन में प्रभु छू रहा है, प्रभु छू रहा है आपको। बीमारियों से आप आजाद हो रहे हैं, बीमारियां चाहे छोटी चाहे बड़ी क्यों ना हो, प्रभु आपको बीमारियों से आजाद करने जा रहा है। रामा रामा सिखा रामा हुलाबा रिखा रामा। पिता ये दुनिया कोने में कहीं भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं खुदावर, हम आपके नाम से पिता इनको चंगाई की घोषणा करते हैं। अपनी सामर्थ्य हाथ को बढ़ाइए पिता और इनको छू लीजिए, इनको चंगाई प्रदान कीजिए। इसी क्षण ये ते नाम से चंगे हो जाए। हर प्रकार की दर्द मैं देख रहा हूँ, कुछ लोग जो टखनों में प्रॉब्लम है, वो बीमारी है, दर्द है, सालों से दवाई खा रहे हैं, मारिया ठीक नहीं हो रही है। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, यीशु के लहू में, यीशु के लहू में, इसी समय ये चंगे हो जाए। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ इनके टखनों से, इनके शरीर से हर एक दर्द गायब हो जाए, इसी समय बाहर निकल जाए। हर एक कमजोरिया, हर एक वीकनेस यीशु के नाम में बाहर जाए। अभी मुझे देखने वाले कोई भाई बहन सोच रहे हैं, ये पास्टर प्रार्थना कर रहे हैं कैसे मुझे चंगाई मिलेगा, कैसे ऐसा कोई भला हो सकता है क्या? विश्वास कर मन फिरा, पापों से फिर कर यीशु के पास आ, उसको जिनका उद्धार करता स्वीकार कर, वो तो ये छुएगा, वो तो ये पूर्ति चंगाई देगा। क्योंकि विश्वास करने के जीवन में प्रभु आरिश्चय क्रम करता है और तेरे जीवन में आरिश्चय क्रम करने के लिए तैयार है। विश्वास करने के जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है। ओ रमा सिख, हर एक संदेश सक वाली बातें इनके जीवन से बाहर निकल जाए, इससे क्षण बाहर निकल जाए। बीपी सुगर नव होने पाए। ओ रमा सिखा रबा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ। इसी समय हर एक व्यक्ति यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हाँ पिता, अपनी सामर्थ्य हाथ को बढ़ाइए और इन सबको छू लीजिए पिता परमेश्वर। ओ रिमा सिखा रबा। पथरी रसोलिया गांठ पेट की समस्या बाहर निकले इसी समय। इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ। जो
प्राइवेट हॉस्पिटल में था, अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ाइए और उन सबको छू लीजिए, उन सबको जल्द से जल्द चंगाई प्रदान कीजिए पिता। बहुत से लोग हॉस्पिटल में एडमिट है पिता, उनका ऑपरेशन होने वाले हैं प्रभु जी, उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल होने पाए और बहुत से लोग को आप बिना ऑपरेशन की दवाई के ही चंगा करने जा रहे हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं आशीष की चंगाई की घोषणा करता हूँ। इसी क्षण हर एक व्यक्ति चंगे हो जाए जो पिता चिंताओं में बैठे हैं, चिंता करके अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं। हर प्रकार की चिंताएं इनके जीवन से बाहर निकल जाए, इनके रास्ते खुल जाए, इनके बंधन टूट जाए और तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। हर एक कष्ट परेशानियों से आजाद हो जाए। इसी क्षण यीशु के नाम में रास्ते खुल जाए, जो रास्ते बंद है वो रास्ते यीशु के नाम में ओपन हो जाए और पिता की महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। आपने ऐसा से दे दिया, हम धन्यवाद करते हैं। जो कर्ज में डूबे हुए हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता हर एक कर्ज के बंधन से इसी क्षण आजाद हो जाए, हर एक कर्ज के जंजीरों से इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ हर एक कर्ज के बंधन के जीवन से टूटने पाए। हाँ पिता, हम प्रार्थना करते हैं अंधकार की आत्माओं में, नशे की आत्माओं में, बुरी आत्माओं में पड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हर प्रकार के अंधकार की आत्माएं, नशे की आत्माएं, बुरी आत्माएं यीशु के नाम में बाहर जाए। ये प्रार्थना जहां जिस घर में चलिए वहां निश्चय कर्म प्रकट हो जाए, वहां हर एक बंधन टूटने पाए और पिता की महिमा उस जगह में प्रकट होने पाए। ये निश्चय कर्म प्रकट हो जाए यीशु के नाम, यीशु के नाम में बंधन टूटने पाए। ओ मामा राबा सिका राबा उला राबा रिप्तम जयम, रिप्तम जयम। हर एक घुटना टिकने पाए, जीवन की कार्य करने पर कहने पाए यीशु हे प्रभु है, यीशु हे मुक्तिदाता है। ये प्रार्थना जहां जिस घर में चलिए वहां पिता हर एक व्यक्ति आपको जिनका उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए और पिता आपकी महिमा करने वाले हो जाए, यही हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो प्रभु निराशा में बैठे, दुखों में बैठे, कष्टों और परेशानियों बैठ कर पिता ओ प्रभु जी निराशा में घिरे हुए हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन हर प्रकार की निराशा करने बातें दूर हो जाए, इनका शोक आनंद में बदल जाए आपके नाम से। आपने आदिशाही क्रम किया, आनंद को अपने भेजा पिता, दुख तकलीफ को बाहर निकाला, मैं धन्यवाद करता हूँ। ये प्रार्थना जिस घर में चलिए उस घर के लिए प्रार्थना करता हूँ। उस घर पिता सुख है सर्वदा पिता, आज जाए पिता वहां शांति आ जाए, अशांति वाली बातें ला जाए कि आत्माएं बाहर निकल जाए और तेरी शांति उनके हृदय के घरों में प्रवाहित होने पाए और ये भाई बहन तेरे नाम की महिमा करने वाले हो जाए खुदा, यही हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए खुदावन, जो प्रभु जी ओ रीमा सखर राबा रीमा राबा सवा ओ प्रभु जी, हम उनके लिए पिता जो पिता इनकी मेहनत कमाए पिता कहीं ऐसा है, किसी कंपनी किसी ऑफिस में कहीं पैसा इन्वेस्ट किए हैं पिता, किसी को दिए हैं पिता, इनके मेहनती कमाई इनको नहीं मिल पाए खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता इनके मेहनती कमाई इनको जल्द से जल्द मिलने पाए खुदा। हर प्रकार की रुकावटें हर प्रकार की बधाएं तेरे नाम से जाती रहे और इनकी मेहनती कमाई इनको जल्द से जल्द मिलने पाए खुदा। हाँ प्रभु जी, ऐसे अतिशय क्रम आप इनके घरों में इनके जीवन में करने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी इनकी मेहनती कमाई मिलने पर जो लिया उसका हृदय उसका मन परिवर्तन हो जाए पिता, और पिता सही समय पर और प्रभु जिनकी मेहनती कमाई मिलने पाए तेरे नाम से, आपने ऐसे अतिशय क्रम कर दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। जो पिता बच्चे की आशीष के लिए प्रार्थना करवाए हैं, शादी के सालों बिच्छू के बच्चे के आशीष नहीं मिल पाए खुदा, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। हाँ प्रभु जी आप इनको ब्लेस कीजिए, आप इनको आशीष प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर, अपनी महिमा के लिए इनको बहुत ऐसे उपयोग कीजिए खुदा। मेरे पियो पापों से फिर कर गुनाहों से फिर कर यीशु के पास आइए, हो सकता है वो पाप चाहे पुराने क्यों ना हो, वो चाहे 2 साल 10 साल पहले क्यों ना हो, अपने पापों की क्षमा यीशु से मांगिए। यीशु हम भूल जाते हैं अपने पापों को लेकिन यीशु कभी नहीं भूलता। मेरे पियो हम अपने पापों की क्षमा उससे मांगे, उसको जिनका उद्धार करता से उकार करें और दोबारा ना करने का उससे वादा करें, वो अपने लहू से धोकर शुद्ध अपवित्र करेंगे और हमें अपने राज का वारिस बनाएगा। आइए मेरे पियो हम यीशु से प्रार्थना करें, हम यीशु से प्रार्थना करें, वो आपके जीवन में आशीष को जा रहा है पिता। आपने पिता इनको छंगाई दिया, हर प्रकार की बीमारियों छुटकारा प्रदान किया और 2023 में आपने इनके घरों में आशीष दे दिया है खुदा, मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ सारे भाई बहनों के लिए, रीमारा सखरबा जो बाहर काम कर जॉब करते बिजनेस करते पढ़ाई करते हैं और जहाँ भी पिता पंखों की आड़ में छुपाए रखिए, हर प्रकार की समस्याएं कष्ट परेशानियां इनके जीवन से बाहर निकल जाए, इनके रास्ते खुल जाए, बंधन टूट जाए। जितने लोग जॉब के लिए प्रार्थना करवाए खुदा, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ
माओ पिता मांगने से अधिक योग्यता से बढ़कर आप इनको जॉब से आशीष करने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना जिस घर में चलिए उस घर को मैं ब्लेस करता हूँ, वहाँ रास्ते खुल जाए, बंधन टूट जाए और पिता की महिमा उस जगह में प्रकट होने पाए। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ सारे भाई बहनों के लिए जो बच्चे बीमार है पिता, ओ पिता भी प्रकार की मारों से ग्रसित है, वो हर जगह थके मांदे आए हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन ये भाई बहन तेरे नाम से चंगे हो जाए, ये तेरे नाम से हीलिंग हो जाए पिता, वो बच्चे बोलने पाए चलने पाए और आपकी महिमा करने वाले हो जाए खुदा। यही हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जिन हाथों ने पिता तेरा आज की भोतरी के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बीज बोया है, भेंट दान दसवा डाले हैं, उन सबको मैं ब्लेस करता हूँ, वो सब तेरे नाम से आशीष हो जाए, उनके सैलरी बिजनेस सबको मैं आशीष की घोषणा करता हूँ। जितने लोग चर्च जमीन के लिए पिता अपने हाथों को आगे बढ़ाए हैं पिता तेरी अगुवाई और तेरी पिता प्रार्थना प्रकट हो जाए, हाँ पिता इन सबको ब्लेस कीजिए, इन सबको आशीषों से भरपूर कीजिए खुदा। हाँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में इनको ब्लेस करता हूँ, इनके आशीष से इनके बच्चे इनके घर पे उतरने पाए पिता और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए खुदावन। जो भेजने वाले हैं पिता भेजने में सहायता प्रदान कीजिए खुदावन और अपनी महिमा के लिए इनको बहुत ऐसे उपयोग कीजिए, यही प्रार्थना करते हैं। आपने इनको वासे चंगाई प्रदान किया, आपने इनको ब्लेस किया, अश्व भरपूर किया पिता, हम धन्यवाद करते हैं खुदा। दिन भर कार्य में अगुवाई कर सहायता कर, जहाँ कार्य करने जाते हैं कार्यों में सहायता कर, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान कीजिए खुदा, हर एक काम आज की सुबह सफल होने पाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए, यही प्रार्थना कर। जितने रिपोर्ट आने वाले हर एक रिपोर्ट के नाम से नौ माने पाए, आपने ऐसे ऐसे दे दिया, धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पिता, हर एक को मैं आशीष की घोषणा करता हूँ, प्रार्थना सुना धन्यवाद यीशु के पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध आज ग्रहण कर ले पिता, आमीन हालेलुया प्रेस्टो जीसस। मेरे पियो हम प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव करें, स्वर्ग का परमेश्वर हमारे लिए आरिश्यक्रम करने के लिए तैयार है, हमारे बंधन को तोड़ने के तैयार है, हमारे बंद रास्ते को खोलने के तैयार है। जब हम विश्वास के साथ है हम यीशु के पास आएंगे, हमारे लिए आरिश्यक्रम प्रकट हो जाएगा। हालेलुया चार जमीन के लिए अभी 3,90,000 रुपयों की आवश्यकता है, लगभग 4,00,000 रुपयों की। असंभव को संभव परमेश्वर करेगा, आपके द्वारा करेगा। हालेलुया प्रेज़ टू जीसस। ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये काम सफल हो जाए। हम 1,000-2,000 रुपया खर्च कर देते हैं फालतू चीजों में, लेकिन हम उस कार्य में हम लगाएं, प्रभु हमें ब्लेसिंग देगा और अपनी आशीषों से भरपूर करेगा। मेरे तरफ से जैसे मैंने कहा 1,000 प्रभु की अगुवाई में आप कम बेसी ज्यादा कर सकते हैं, प्रभु जितना अगुवाई कर रहे आप इसमें हमारी सहायता करें, जल्द से जल्द करें ताकि ये काम सफल हो जाए। हर एक को करना है और हर एक को आशीष की वारिस होना है। हालेलुया जब हम योग्यता से बढ़कर हम देंगे मेरे पियो, और मैं देख रहा हूं कुछ लोग जो योग्य नहीं है लेकिन परमेश्वर उनको योग बना रहा है, और इस योग बनाने के चलते आपकी आशीषें आपके घर में आ रही है। हालेलुया प्रेस्टो जीसस। आप सोचे विश्वास कीजिए मुझे इतना देना है, प्रभु इंतजाम करेगा, रास्ते खोलेंगे, बंधन टूटेंगे और प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।